Happiness Awards. This is our new edition, which has specifically been brought in this year because one of the key learnings from the pandemic has been the importance of being happy. So let's take a look at the big state, the winning state on the happiness index. And the winner here is none other than God's own country, Kerala. Moving on to the best performing small state on the happiness index. Again, no surprises there, it's Goa. Let's hear it from the Chief Minister of Goa, Mr. Pramod Sawant, on what keeps Goans so happy. सबसे पहले मैं इंडिया टुडे का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं कि हर साल इंडिया टुडे द ई-कॉन्क्लेव और स्टेट ऑफ द स्टेट अवार्ड फंक्शन अरेंज करते हैं। इस बार भी इंडिया टुडे के स्टेट ऑफ द स्टेट अवार्ड फंक्शन 2021 में हमारे गोवा स्टेट को उन्होंने जो अवार्ड दे दिए हैं उनके लिए मैं गोवा सरकार की तरफ से बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर, एडुकेशन, टूरिज्म, क्लीनिनेस एंड हैप्पीनेस इंडेक्स, इस पंचसूत्री में सही में गोवा में सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में, एडुकेशन में, टूरिज्म में, क्लीनिनेस में काम किया है और इसीलिए हैप्पीनेस इंडेक्स इन द स्टेट ऑफ द गोवा इंक्रीज हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्प से इंफ्रास्ट्रक्चर हम पूरी तरह से सब इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन 6 months इससे भी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होने वाले हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्प से द टूरिज्म सेक्टर में और ज्यादा से ज्यादा हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी कर रहे हैं विद द स्टेक होल्डर्स इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। दे आर ऑल्सो गिविंग द गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हॉस्पिटैलिटी फॉर द टूरिज्म वन हु इज कमिंग इन द स्टेट। इसीलिए गोवा टूरिज्म क्षेत्र में भी एक नंबर पे आ रहे हैं। एडुकेशन में तो हर वक्त हम पहले से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स देने में कामयाब रहे हैं और हमेशा के लिए हमारा लिटरेसी रेट हाई है यानी एडुकेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सके। द क्लीनिनेस पर्पज वी आर इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज वन ऑफ द बेस्ट क्लीनिनेस प्लांट विच इज एन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द एशिया। प्लांट गवर्नमेंट की तरफ से हमने सेटअप कर दिया है। द रोड क्लीनिंग, बीच क्लीनिंग, इवन द ओपन डेफिकेशन फ्री, हर घर नल से जल, इस तरह से हर एक केंद्र की योजना हम गोवा में उपलब्ध किए, गोवा के लोगों के लिए किए हैं और इसी तरह नंबर एक आया है। इसलिए फिर से एक बार मैं इंडिया टुडे का आभार व्यक्त करता हूँ और सभी से लेके द हैप्पीनेस इंडेक्स द कोविड के बाद हैप्पीनेस इंडेक्स पे एक नंबर पे रहना ये बहुत जिक्र की बात थी, लेकिन मेरे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों ने जो सहकार्य दिया इन कोविड मैनेजमेंट, पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट, इवन दो द वेलनेस सेंटर स्टेटमेंट, माय हेल्थ डिपार्टमेंट एंड ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर डूइंग द वंडरफुल मैनेजमेंट ऑफ द कोविड एंड उसके बाद में वाले ट्रीटमेंट भी। इसीलिए मुझे लगता है कि द हैप्पीनेस इंडेक्स, द लॉ एंड ऑर्डर विच इज वेरी गुड मेंटेन इन द स्टेट ऑफ गोवा, जो कोई गोवा में आता है हम उनका स्वागत करते हैं। इसीलिए इस 5 point पे इंफ्रास्ट्रक्चर, एडुकेशन, टूरिज्म और क्लीनिनेस एंड हैप्पीनेस इंडेक्स पे फिर से एक बार इंडिया टुडे ने इन स्मॉल स्टेट्स स्टेट ऑफ द स्टेट्स अवार्ड में हमें जो अवार्ड दिया उनके लिए मैं गोवा सरकार की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हर बार आप हमें रिकॉग्निशन देते हैं इसलिए आपका फिर से एक बार आभार।